नए साल के जश्न के लिए हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। वीरवार दोपहर से प्रदेश में सैलानी पहुंचने लगे हैं। शुक्रवार को लाखों पर्यटकों के आने के आसार हैं। इससे कारोबार को भी पंख लगेंगे। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली में सैलानियों की आभगत के लिए होटल कारोबारी तैयार है। हुड़दंगियों पर पुलिस की भी कड़ी नजर रहेगी। प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड भीड़ आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे से एक रोज पहले लौट आए हैं। गुरुवार दोपहर बाद उन्होंने शिमला वापसी की। लौटते वक्त बैजुबड़हट्टी एयरपोर्ट पर सरकारी हेलीकॉप्टर से उतरे और वहां चल रहे कार्यों को देखा। मुख्यमंत्री के शिमला लौटने के बाद अब कैबिनेट की बैठक तय हो गई है। ये बैठक 5 जनवरी को राज्य सचिवालय में होगी। इसमें आगामी बजट से पहले पिछले बजट में शेष रह गए मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पहले ही लोक निर्माण विभाग को मल्टीटास्क वर्कर्स के 5,000 पदों को भरने में हो रही देरी पर बोल चुके हैं। इसी तरह से ऐसे भी और कई ऐलान होंगे जिनको लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। पुलिस थाना छोटा शिमला के तहत महली में एक महिला द्वारा कारोबार करने के नाम पर 30 लाख का लोन लेकर बैंक को चपत लगाने का मामला सामने आया है। महिला ने लोन के बदले बैंक के पास गिरवी रखा हुआ दुकान का सामान तक भी बेच दिया। बताया जा रहा है कि महिला की ओर से जब बैंक से दिए गए लोन की अदायगी नहीं की गई तो बैंक के अधिकारी लोन की रिकवरी करने के लिए महिला द्वारा बताई गई दुकान खोलने के पते पर पहुंचे तो वहां न तो दुकान मिली और न ही गिरवी रखा हुआ दुकान का सामान। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने बैंक लोन के नाम पर लाखों की चपत लगाने के आरोप में महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेशों पर आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पालमपुर से जम्मू जा रही परिवहन निगम की बस के आगे अचानक एक युवक ने छलांग लगा दी। ड्राइवर की सूझबूझ से युवक तो बच गया लेकिन हादसे में कुछ सवारियां, चालक और परिचारक भी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मामला गुरुवार सुबह का है जब मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग में भट्टू में हिमाचल पथ परिवहन निगम की पालमपुर डिपो की बस के आगे एक युवक ने छलांग लगा दी। सुबह करीब 11 बजे पालमपुर डिपो की बस पालमपुर से जम्मू जा रही थी कि भट्टू के समीप एक युवक चलती बस के आगे कूद गया। चालक ने होशियारी दिखाते हुए बस को दूसरी तरफ मोड़ दिया जिससे बस एक नाली में जा घुसी। छलांग लगाने वाले युवक ननाओं का बताया जा रहा है और मानसिक और कुछ परेशान है। बस में बैठी 3 महिला यात्रियों समेत चालक और परिचालक मामूली रूप से घायल हो गए हैं। शिमला और दिल्ली के बीच दोबारा से हवाई यात्रा शुरू हो सकती है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने संबंधित कंपनी को आदेश जारी किए हैं। कंपनी को इस रूट पर 46 यात्रियों वाले ATR 42 को उड़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। कंपनी ने फिलहाल इस विमान के उपलब्ध न होने के बाद केंद्र सरकार से कही विमान उपलब्ध होते ही शिमला दिल्ली सेवा को कंपनी बहाल कर देगी। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। पिछले करीब 1.5 साल में अपनी बेहतर शिक्षण कार्यप्रणाली के चलते NIT हमीरपुर ने पहली बार ARIIA में रैंकिंग में जगह बनाकर बड़ी छलांग लगाई है। बता दें कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से किए गए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट में रैंकिंग की जाती है। ARIIA भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसमें छात्रों और फैकल्टी के बीच इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से जुड़े इंडिकेटर में भारत के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय की रैंकिंग की जाती है। बिजली की हाई वोल्टेज लाइन का खतरा अब हवा में नहीं होगा। ये लाइन जमीन के अंदर से डाली जाएगी। इसके लिए मानक तय की गई है। जमीन के नीचे से हाई वोल्टेज लाइन को कम से कम 1 मीटर गहराई से ले जाना होगा। भविष्य में तमाम बड़े उद्योगों समेत कई लाइन जमीन के नीचे ही डाली जाएंगी। इसमें 33 KV तक की लाइन के लिए 1 मीटर गहराई का मानक तय किया गया जबकि 33 KV से अधिक की केबल डाली जाती है तो इसके लिए 1.25 मीटर तक गहराई करनी होगी ताकि भविष्य में कोई हादसा होने की स्थिति में ज्यादा नुकसान ना हो। इसके साथ ही लाइनों को कवर किया जाएगा। इस बारे में बिजली बोर्ड अब आगामी तैयारियों में जुट गया है। अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय बंगाणा में नेहरू युवा केंद्र ऊना द्वारा राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें NYK के डायरेक्टर सैमसन मसीह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह के मुख्य अतिथि नेहरू युवा केंद्र हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर सैमसन मसीह ने कहा कि देशभक्ति को अन्य माध्यमों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हर किसी को स्वतंत्रता सेनानी ही होना चाहिए या फिर सेना, नौसेना या फिर वायुसेना में भर्ती होकर देश की सेवा करनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनकर आप देश के प्रति अपने प्यार को प्रदर्शित कर सकते हैं। आप गरीब, भूखे और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं, जल बचा सकते हैं और पर्यावरण को बचा सकते हैं।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि मंडी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को केंद्रीय बजट में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री विज्ञान भवन नई दिल्ली में वर्ष 2022 और 23 के केंद्रीय बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई प्री बजट बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मंडी जिला में चिन्हित भूमि को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए उपयुक्त पाया है और इसके लिए अंतिम तकनीक सहमति भी प्रदान की गई है। जिला हमीरपुर में वीरवार को आरटीपीसीआर टेस्ट में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि इन लोगों के सैंपल बुधवार को लिए गए थे, इनकी रिपोर्ट वीरवार को प्राप्त हुई है। डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जिला हमीरपुर में विशेष एहतियात बरती जा रही है। विदेशों से आने वाले लोगों की विशेष निगरानी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में विदेशों से आने वाले लोगों की तुरंत जानकारी दें ताकि उनकी निगरानी की जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।